नमस्ते राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्ल्ड्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला है इम्यूनो डिटेक्शन एंड एलिशा। ठीक है, टॉपिक का नाम है आपके इम्यूनो डिटेक्शन एंड एलिशा। इम्यूनो डिटेक्शन भी टेक्निक है और इसको करते हैं हम एलिशा के थ्रू। और कई सारे टेक्निक इसमें आते हैं, जैसे RIA, जैसे हमने अभी आगे कई सारे टॉपिक पढ़े हैं तो उसमें हमने टेक्निक्स के बारे में सुना कि ये काम हम एलिशा टेक्निक से कर सकते हैं। जैसे प्रेगनेंसी का टेस्ट हो गया, किसी एंटीजन का टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हम एलिशा से करते हैं। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स। ये चैप्टर भी पूरा रिलेटेड किससे है, टेक्निक से। तो इसमें हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे और आपका दो टेक्निक्स। पहला है इम्यूनो डिटेक्शन, जिसके इम्यूनो डिटेक्शन टेक्निक जिसमें एक टेक्निक है एलिशा, ELISA, एलिशा बोला जा रहा है। आप उसको लेटर वाइज भी बोल सकते हैं, जैसे ELISA, आई थिंक एलिशा बोलना सबके लिए सही होगा, एलिशा टेक्निक। इस टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी एंटीजन का, किसी एंटीबॉडी का, किसी प्रोटीन के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए अगर आपका ब्लड है उसमें कौन सी एंटीजन है, कौन सा एंटीबॉडी है या कौन सा प्रोटीन है। बेसिकली आपका एंटीबॉडी भी तो प्रोटीन ही है। इसके पहले मैंने आपको बताया है कि एंटीबॉडी इज़ ऑल्सो अ प्रोटीन। एंटीबॉडी आपका प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इस वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो हम इसमें यह टेक्निक पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इस टेक्निक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं, डेली बेसिस पे आप देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए अगर इम्यूनो डिटेक्शन की, तो इम्यूनो डिटेक्शन क्या है, कि एक काइंड ऑफ टेक्निक है। टेक्निक का मतलब, टेक्निक में हम क्या करते हैं, बेसिकली टेक्निक्स में हम नई नई चीज़ों के बारे में डिस्कवरी से रिलेटेड अपनी कुछ चीज़ों को खोजते हैं। इसका यूज़ हम क्या करते हैं, इंटरैक्शन का मतलब है दो लोगों में बातचीत करना। ठीक है, एंटीबॉडी और एंटीजन का इंटरैक्शन कराते हैं प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, एंटीजन इज इन शॉर्ट फॉर्म, एंटीजन को हम AG लिखेंगे और एंटीबॉडी को AB। इन दोनों के बीच हम इंटरैक्शन करा के, बातचीत करा के पता लगाते हैं प्रोटीन के बारे में कि कौन सा प्रोटीन है, क्या है। अभी चीज़ें आपको और समझ में आएंगी जब आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इम्यूनो डिटेक्शन टेक्निक जो है ना वो किस पे बेस्ड है, बेसिकली इस पार्ट को अभी आप समझ नहीं पाएंगे यहाँ से यहाँ तक वाले, इस वाले पार्ट को, कि ये जो है इसमें एलिशा जब आप पढ़ेंगे, एलिशा टेक्निक, उसमें समझ में आएगा कि ये बेस्ड किस पे होता है, एंटीबॉडीज़ पे। ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी का आप डिटेक्शन करते हैं, कैसे उसको अटैच कराते हैं एपिटोप। एपिटोप क्या होता है, एपिटोप और पैराटोप मैं फिर से आपको बता दूं, जो हमारा मान लीजिए ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ही एंटीजन से जाके बाइंड करता है, रिकग्नाइज करता है उसको, इसके पास जो रीजन होता है, और मान लीजिए ये कोई एंटीबॉडी है, ठीक है, ऐसा एंटीबॉडी है, जस्ट गिव मी वन मिनट, ये आपका कोई क्या है, एंटीजन है, एंटीबॉडी है इस तरीके से। ठीक, ऐसा एंटीबॉडी है आपका और ये इस तरीके का आपका कोई एंटीजन है। अब इसके पास जो ये बाइंडिंग साइट है, इसको हम बाइंडिंग साइट कहेंगे, जिससे आके ये एंटीजन बाइंड करेगा। इस बाइंडिंग साइट को हम क्या बोलेंगे, इस बाइंडिंग साइट को हम बोलेंगे पैराटोप। पैराटोप वहीं पर ये एंटीजन जो है, एंटीजन, इस एंटीजन की ये जो बाइंडिंग साइट है, ये वाला रीजन, इसको हम बोलेंगे एपिटोप। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो एंटीजन की बाइंडिंग साइट को हम एपिटोप कहते हैं और इससे एंटीबॉडी बाइंड होगा। ठीक, और एंटीबॉडी की बाइंडिंग साइट को पैराटोप कहते हैं और इससे एंटीजन बाइंड होगा। ठीक, तो आप PA से याद रख सकते हैं, PAG, पैग, पैग से आप याद रख सकते हैं कि पैराटोप होगा एंटीबॉडी के पास और एंटीजन आगे बाइंड करेगा। तो यही यहाँ पे हम एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी एंटीबॉडी। अभी आप देखेंगे कि हम मान लीजिए जब एलिशा टेक्निक करते हैं तो एक प्लेट लेते हैं, उसमें सीरम लेते हैं, उसमें हम इस तरीके से प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे। ठीक है, वो आगे जाके फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे, तो इनके इंटरेक्शन से चीज़ें होती है, यही बात यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, क्लियर सिग्नल
को पाने के लिए टू गेट क्लियर सिग्नल द प्राइमरी एंटीबॉडी नीड टू स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज योर प्रोटीन. क्लियर हम लोग को सिग्नल मिले उसके लिए हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारे एंटीबॉडीज हम डाल रहे हैं वो प्रॉपरली जाके बाइंड करें. अभी आप इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है. अब हम बात करते हैं एलिजा के बारे में. एलिजा क्या है, जिसको हम कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. ये एक पॉपुलर, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी है इसके बाद, लोकप्रिय, जिसको हिंदी में कहते हैं, और वर्सटाइल, मतलब बहुत बहुत सारे काम करने वाला. वर्सटाइल मतलब इसे आप कई सारी चीज़ों का डिटेक्शन कर सकते हैं, कई सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं. तो ये क्या है, वर्सटाइल और पॉपुलर टेक्निक है जो कि इम्यूनो डिटेक्शन में यूज़ किया जाता है टू मेजर प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोटीन एंटीजन और एंटीबॉडी ने सैंपल. मान लीजिए कोई आपका सैंपल है, ये आपका सैंपल दिखाया गया, इस सैंपल में कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीबॉडी है, कौन सा प्रोटीन है, इसका पता लगाने के लिए ए बी है, कौन सा एंटीजन है, कौन सा प्रोटीन है, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं एलिजा. और इसका नाम भी पढ़ेंगे तो इसमें नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. E for enzyme, E for enzyme, L for linked, I for immuno, S for sorbent, A for assay. Immunosorbent assay हम इसको कहते हैं. Absorbent मत आप बोलिएगा, immunosorbent, ठीक है, immunosorbent assay. इसलिए बता देती हूँ क्योंकि आप कई बार ही गलत लिख देते हैं, ठीक है. तो इम्यून एंजाइम लिंक्ड मतलब किसी एंजाइम से लिंक करेगा. अभी आप जब इसकी टेक्निक पढ़ेंगे, जब इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे इम्यूनो एंजाइम लिंक्ड एंजाइम से लिंक करेगा. इम्यूनो बॉडी मतलब इम्यून सिस्टम का चीज़ रिलेटेड एंटीबॉडी और ऐसे कुछ बनाएगा उससे, ठीक. तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, किसी प्रोटीन को देखने के लिए, किसी एंटीजन को देखने के लिए, किसी एंटीबॉडी कोई सैंपल है, मान लीजिए कोई सैंपल है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम एलिजा टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम प्राइमरी एंटीबॉडी का यूज़ कर रहे हैं. अगर मैं प्राइमरी लिखना चाहूँ तो प्राइमरी एंटीबॉडी, हम सेकेंडरी एंटीबॉडी का सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज़ कर रहे हैं. ये कोई सबस्ट्रेट था, इसमें एचआरपी लगेगा, अभी एचआरपी आपको समझ में आएगा. प्राइमरी और सेकेंडरी बॉडी का हम यूज़ करेंगे और ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा. सेम यहाँ पे कोई टारगेट प्रोटीन है या जिसको एंटीजन कहा जा रहा है, उससे प्राइमरी एंटीबॉडी आके अटैच होगा. यहाँ पे जो रीज़न है उसको हम एपिटोप कहेंगे और ये जो आके बाइंड होगा इसको हम पैराटोप कहेंगे. इसी की बात कही जा रही है. फिर प्राइमरी एंटीबॉडी से सेकेंडरी एंटीबॉडी आके बाइंड करे, कुछ मॉलिकुलर मार्कर को लगाएंगे हम, जैसे उसमें फ्लोरोफोर हो सकता है, एंजाइम या गोल्ड प्रोटीन हो सकता है. उसके बाद इसको जब ये इस पर लग जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि यही सीरीज है और इसको हम डिटेक्ट कर लेंगे, यानी कि पता लगा लेंगे इसके बारे में. तो होपफुली प्रोसेस आपको समझ में आएगा. सेम प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है, कोई एनालाइट है जिसके बारे में हमें पता लगाना है, उससे आके प्राइमरी एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी से सेकेंडरी एंटीबॉडी. यहाँ पे हम कुछ प्रोटीन्स का यूज़ करेंगे जो इससे आके अटैच हो जाएंगे, हमें पता हो जाएगा अच्छा यही चीज़ है और ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक. अभी आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो एलिसा क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कहते हैं. बेसिकली कुछ इस तरीके का चलने वाला ये प्रोसेस है, ऐसा रियल प्रोसेस ये है. इसमें हम 96 प्लेटेज का 96 इस तरीके की प्लेट का यूज़ करते हैं. आप सब ने ये प्लेट ज़रूर लैब में देखी होगी, ऐसे ऐसे उसमें बने होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से पिपेट से सैंपल निकाल कर उसमें डालते हैं, ठीक है. और ये पूरा प्रोसेस करने के बाद हमें इस तरीके से फ्लो साइटोमीटर से उसके बारे में हम पता लगा लेते हैं, ठीक है. मैंने ये रियल टेक्निक आपको दिखाई है ताकि आपको पता चले कि ये जो आप पढ़ रहे हैं ना वैसे सिंपल होने वाला प्रोसेस नहीं है, कितनी सारी चीज़ें उसमें लगती हैं. कुल 14 स्टेप में होने वाला ये प्रोसेस है. उसके बाद कहीं जाके आपको पता चलता है कि कौन सा एंटीजन है आपकी बॉडी, कौन सा एंटीबॉडी है, कौन सी चीज़ है कि आपकी बॉडी में क्या है, इसका पता हम लगा सकते हैं. बेसिकली एंटीजन, एंटीबॉडी और प्रोटीन से रिलेटेड, ठीक. एलिसा टेक्निक एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे के नाम से जाना जाता है, ठीक है. कॉमन लेबोरेटरी मेथड है जिसका यूज़ करते हैं हम प्रोटीन को, एंटीबॉडी को और एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए किसी सैंपल में. इसको डिस्क्राइब किया था, इसको बताया था एंगवॉल एंड पर्लमैन 1971 में. इन दो साइंटिस्ट ने, एंगवॉल एंड पर्लमैन ने मिलकर इसकी डिस्कवरी की थी, इसके बारे में बताया था. कभी कभी साइंटिस्ट के नाम भी पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए. देन अगर बात की जाए एलिसा की,
एलिसा टेक्निक को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी किसी भी काम को करने के लिए। जैसे अब अगर आप किसी चीज़ को पका ही रहे हैं, खाना कुक कर रहे हैं, आप केवल राइस फ्राई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब चावल को फ्राई कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। जैसे आपको ऑयल लगेगा, आपको कुक्ड राइस लगेगा, आपको वेजिटेबल्स लगेंगे, आपको सॉल्ट लगेगा यानी कि नमक लगेगा, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, आपको किसी भी टाइप की सॉस आप यूज़ कर सकते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें आपको लगती हैं, ठीक है। अगर ये आपको चीज़ें नहीं है आपके पास तो आप वो चीज़ नहीं बना सकते। सेम चीज़ अगर हमें एलिसा टेक्निक परफॉर्म करनी है तो हमें हमारे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें से पहला है कोटेड प्लेट या माइक्रो टाइट, जो है माइक्रो टाइटर प्लेट, ठीक है, इस तरीके की प्लेट होती है, कोटेड प्लेट होती है, जिसको कि माइक्रो टाइटर हम प्लेट कहते हैं, कुछ इस तरीके की प्लेट होती है। इसमें हम कॉमनली वंस एक बार में 96 वेल पॉलिश टायरिन प्लेट्स का यूज़ करते हैं, मतलब इस तरीके की एक प्लेट हम यूज़ करेंगे जिसमें हम इस तरीके के 96 पॉलिश टायरिन प्लेट का इस तरीके से हम यूज़ करेंगे, जिसमें पाई जाएगी जो भी मैंने आपको प्रीवियसली दिखाया भी इस चीज़ को, जो कि किससे कोटेड होते हैं, जिनके बॉटम जो होते हैं उनके बॉटम अच्छी तरीके से एंटीजन या एंटीबॉडी से कोटेड होते हैं, ठीक है। सैंपल डाइल्यूट्स का यूज़ करेंगे, सैंपल मान लीजिए हमने ब्लड का सैंपल लिया, उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसको पतला करने के लिए हम कुछ डाइल्यूट का यूज़ करेंगे, जैसे वाटर एज अ डाइल्यूट बहुत जगह पे यूज़ होता है, उसी तरीके से कुछ डाइल्यूट्स का यूज़ करेंगे। फिर वॉश करेंगे बफर्स को, बफर तो हर जगह, अभी आपने फिंगर प्रिंटिंग पढ़ लिया, आपने वेस्टर्न ब्लॉटिंग पढ़ लिया, बफर हर जगह यूज़ हो रहा है, ठीक है। बफर क्या होता है, चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने में, उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने में कि उसमें वो ग्रो कर सकें, उसके लिए हेल्प टू वॉश अवे द अनरिक्वायर्ड कंटामिनेंट्स, जो भी दूषित चीज़ें अनरिक्वायर्ड कोई चीज़ है, ठीक है। अनबाउंड एंटीजन, मान लीजिए एंटीजन और एंटीबॉडी आपने डाला तो हमें क्या चाहिए कि वो बाउंड होना चाहिए इस तरीके से, एक दूसरे से ये दोनों अटैच होने चाहिए। अगर वो बाउंड नहीं है तो उनको हमें उसको भी हटाना है, कोई कंटामिनेशन आ गया, कोई पोल्यूशन आ गया, उसको भी हमें हटाना है। एग्जांपल के लिए हम बेसिकली ट्राई फॉस्फेट बफर का यूज़ करते हैं जिसका पीएच 7.40 है, और कुछ डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं जिसमें ट्विन 20 करके है, इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली एपी, जिसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज आता है, जो बेसिकली क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, ठीक है। या एचआरपी अभी आपने देखा, हॉर्स रेडिस परऑक्सीडेज कहते हैं इसको, ये भी एंजाइम यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ किया जाता है, अभी आपने ऊपर देखा, डिटेक्ट करने के लिए, ये प्राइमरी, ये एंटीजन था, इससे ये प्राइमरी एंटीबॉडी अटैच थी, और इससे क्या था कि ये आपका सेकेंडरी एंटीबॉडी अटैच था, और यहाँ पर आपका एचआरपी लगा हुआ था डिटेक्ट करने के लिए, ठीक। सबस्ट्रेट का यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का हम यूज़ करते हैं रिस्पेक्टिव एंजाइम के लिए। कॉमनली यूज सबस्ट्रेट में ओ फेनाइलिन डायमीन रहता है एचआरपी एंजाइम के लिए, या पी नाइट्रोफेनाइलिन फॉस्फेट आपके एल्कलाइन फॉस्फेटेज के लिए। अगर हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम सबस्ट्रेट जो यूज़ करेंगे वो पी नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट का यूज़ करेंगे, और वहीं पे अगर हम सबस्ट्रेट एंजाइम जो है एचआरपी यूज़ कर रहे हैं तो ओ फिनाइल आपका जो है ओ फिनाइल डाइएमीन का यूज़ करेंगे, और इसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। फिर हम स्टॉप सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें उस चीज़ को रोकना भी रहता है। स्टॉप सॉल्यूशन में एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्शन को रोकने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बेसिकली इट कैन बी एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड हो सकता है जिसमें आपका H2SO4 आ सकता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है। तो ये इतनी चीज़ें हमें चाहिए इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए। अब हम इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे। प्रिंसिपल कुछ 4-5 स्टेप में होने वाला है। सबसे पहले हम कोटिंग करते हैं, ये मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखा देती हूँ, बाकी अभी मैं रिटन में भी। फिर ब्लॉकिंग करते हैं, फिर डिटेक्शन और रीड कर लेते हैं। जिसमें कोटिंग में क्या होता है, पॉलीस्टायरीन प्लेट का हम लोग इस तरीके से यूज़ करेंगे जिसको हम ट्रीट करेंगे सोल्यूशन ऑफ इधर एंटीजन और एंटीबॉडी, सोल्यूशन होगा एंटीजन या एंटीबॉडी का, ठीक है। रिमूव करेंगे लिक्विड को, वॉश करेंगे प्लेट, बफर सोल्यूशन का यूज़ करेंगे, ठीक है, कंटामिनेशन को हटाने के लिए। फिर ब्लॉकिंग करेंगे, ब्लॉकिंग के लिए हम क्या करते हैं, एन अनरिलेटेड प्रोटीन बेस्ड सोल्यूशन इज यूज टू कवर ऑल अनबाउंड साइट्स ऑन प्लेट्स, जो भी अनबाउंड साइट है मतलब जो बाइंड नहीं हो पाई उनको बाउंड कराने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लॉकिंग का यूज़ करेंगे, ठीक। फिर रिमूव लिक्विड एंड वॉश प्लेट, फिर लिक्विड को हम रिमूव कर देंगे और प्लेट को वॉश कर लेंगे। फिर डिटेक्शन करेंगे, एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी और एंटीजन, मतलब ये एंजाइम एंटीबॉडी से कॉन्जुगेट हो गया, बन गया है
टू टारगेट एंटीजन और एंटीबॉडी, मान लीजिए टारगेट वाला एंटीजन एंटीबॉडी इसे बाइंड कर गया है कि नहीं। फिर उसके बाद रिमूव करेंगे लिक्विड को, वॉश करेंगे प्लेट को, ये बार बार करना है, उसको रिमूव करना है और वॉश करना है ताकि जो ज़रूरत की चीज़ है वही मिल पाए। फिर सबस्ट्रेट इज एडेड टू द सिग्नल, सबस्ट्रेट ऐड करेंगे जिसमें मैंने बताया ओ फिनाइल का यूज़ कर रहे हैं 4 PP के टाइम पर और दूसरा AP के टाइम पर हम अलग यूज़ कर रहे हैं। सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, सिग्नल प्रोड्यूस होगा और हम रिएक्शन को मेज़र कर लेंगे। ये प्रोसेस इस तरीके से चलता है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए सेम चीज़ हो रही है। ये कोई कैप्चर एंटीबॉडी है, ये नीचे सरफेस है, एंटीजन को ऐड करेंगे, ये आके एंटीजन इससे बाइंड हो जाएगा, लेबल्ड लेबलिंग कर दी गई है आपकी। यहाँ पे सबस्ट्रेट का एडिशन, सबस्ट्रेट ऐड कर दिया गया, सबस्ट्रेट भी इससे आके इस तरीके से ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को लेबल्ड एंटीबॉडी को हम डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। ये तो मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से ये 36 प्लेट पे चलने वाला प्रोसेस है। नॉर्मली सैंपल डाइल्यूशन बफर है, ठीक है, जिसको बार बार डाइल्यूट करेंगे, इनक्यूबेट करेंगे, इसको 37 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, फिर वॉश करेंगे बफर से, फिर बायोटिन लेबल्ड एंटीबॉडी को डालेंगे, ठीक है, सील करेंगे प्लेट को, कवर करेंगे, फिर वॉश करेंगे बफर से, सार SABC सॉल्यूशन डालेंगे, इनक्यूबेट करेंगे, फिर से वॉश करेंगे, फिर TMB सबस्ट्रेट डालेंगे, जिस सबस्ट्रेट की ज़रूरत है, कलर चेंज होगा और डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक। इस तरीके से इतना प्रोसेस चलता है और ये बहुत प्रिसाइजली होने वाले प्रोसेस हैं, ऐसे आप नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिसाइज, बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन, बहुत ज़्यादा चीटिंग हो सकती है, उनसे बचने के लिए बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, ठीक। प्रिंसिपल की बात करें तो एंटीजन एंटीबॉडी जो है रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एंटीजन और ये रहा आपका एंटीबॉडी, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक। एंटीबॉडीज़ कैन बी लिंक्ड और अटैच टू एन एंजाइम, किसी से एंजाइम से लिंक हो सकते हैं या अटैच हो सकते हैं, ठीक। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो है कैन मॉडिफाइड द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट यूज टू प्रोड्यूस कलर चेंज विद इन द प्रिपरेशन। हम इसको स्पेसिफाई कैसे करते हैं, अभी आपने देखा ऊपर उस प्रोसेस में कलर चेंज हो रहा था, ठीक है। एंजाइम एक्टिविटी को मेजर कर लिया जाता है किसे, कॉलरीमीटर से। कॉलरीमीटर स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को डिटेक्ट करता है। तो ये कॉलरीमीटर मान लीजिए आपका है, ये साइटोमीटर कॉलरीमीटर, ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को डिटेक्ट कर पाता है जो कि इसमें प्रोवाइडेड होता है और उससे हम डिटेक्ट कर लेंगे, इसको करते हैं, ठीक। अब एक एक स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एंटीजन एंटीबॉडी का बाइंडिंग। तो द कोर प्रिंसिपल एलिसा का क्या है, स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में, ठीक है। इन एलिसा ऐसे जो है इधर एन एंटीजन जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो या एंटीबॉडी इमोबलाइज ऑन अ सॉलिड सर्फेस इस वाले प्लेट पे, इसको क्या किया जाता है, चाहे एंटीबॉडी को चाहे एंटीजन को हम क्या करते हैं, इमोबलाइज करते हैं, मतलब मूव कराते हैं, ठीक। फिर एंजाइम कॉन्जुगेशन होता है, कई सारे एंजाइम का मैंने बताया ही यूज़ किया जाता है, AP एंजाइम, HRP एंजाइम, ठीक। टू डिटेक्ट एंटीजन एंटीबॉडी एंजाइम, एंड एंजाइम इज कॉन्जुगेटेड विथ अ सेकेंडरी एंटीबॉडी, पहले एक प्राइमरी एंटीबॉडी डाल देंगे, फिर उसके बाद फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, किसको, सेकेंडरी एंटीबॉडी को भी इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें, ठीक। द एंजाइम एक्ट ऑन रिपोर्टर प्रोड्यूसिंग ए मिजरेबल सिग्नल व्हेन रिएक्ट विथ सबस्ट्रेट, जब ये सबस्ट्रेट को रिएक्ट कर जाएगा जो है तो वो एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जिससे आप मेजर कर सकते हैं। सबस्ट्रेट का रिएक्शन कराएंगे, उसके बाद हम सबस्ट्रेट डालते हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया प्रोसेस में। द एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन जनरेट्स अ कॉलरीमेट्रिक फ्लोरेसेंट या ल्यूमिनेसन सिग्नल, उसको डालने से क्या होता है, ये एंटीजन रहा, ये प्राइमरी एंटीबॉडी और ये सेकेंडरी एंटीबॉडी, यहाँ ये लगाने से सबस्ट्रेट ये क्या करता है, डिफरेंट कलर का क्या करता है, सिग्नल जनरेट करता है जिसको हम डिटेक्ट करेंगे। यही इसी सिग्नल की जो इंटेंसिटी होती है, द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ टारगेट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सैंपल, जो इंटेंसिटी होती है सिग्नल की वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, किसके बराबर होती है, जो सब्सटेंस सैंपल में प्रेजेंट है। क्वांटिफिकेशन यानी कि उसको मापेंगे कैसे, उसको मतलब उसको मेजर कैसे करेंगे, द सिग्नल इंटेंसिटी इज मेजर यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और प्लेट रीडर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्लेट रीडर कॉलीमेट्री का यूज़ करेंगे, विच अलाउ फॉर द क्वांटिफिकेशन ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड कर्व, इसके लिए कर्व का यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड कर्व, उसके बेसिस पे हम इसको मेज़र कर लेंगे। अब ये एलिसा भी ऐसा सिंपल टाइप का नहीं होता, डिफरेंट टाइप का होता है, कुल 4 तरीके की है, जिसमें आप डायरेक्ट एलिसा पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट एलिसा पढ़ेंगे, सैंडविच एलिसा और कॉम्पिटिटिव एलिसा, ये 4 यहाँ पर प्रोसेस हैं जिसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे अगर मैं डायरेक्ट एलिसा की बात करूँ तो इसमें जो प्रिंसिपल लगता है, इसमें क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, कोटिंग प्लेट लगता है,
विथ एंटीजन, एंटीजन के साथ, एंड देन डिटेक्टिंग इट डायरेक्टली विथ एन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी दैट बाइंड्स टू द एंटीजन। हम क्या करेंगे इसके लिए, कोटिंग प्लेट का यूज़ करेंगे जिसपे एंटीजन पा जाएंगे उसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंजाइम लिंक्ड, एक एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालेंगे उसमें और वो उस एंटीजन से बाइंड करेगा जाके और हमें पता चल जाएगा। इस तरीके का प्रोसेस, एक एंटीजन कोटेड, ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे एंटीजन कोटेड है, ये एंटीजन कोटेड है। ऐड करेंगे एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी, यानी एंजाइम्स से अटैच, ये एंटीबॉडी है इसमें एंजाइम हम अटैच करेंगे, इससे अटैच एंटीबॉडी को हम इसमें डालेंगे। ये जाके अटैच हो गया एंटीजन से, इस तरीके से यहाँ एंटीजन से ये जाके अटैच हो जाएगा। और सब फिर हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे यहाँ पे, इस तरीके से सबस्ट्रेट ऐड करेंगे और इसको डिटेक्ट कर लेंगे। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। और इस तरीके के प्रिंसिपल का यूज़ कहाँ करते हैं, स्पेसिफिक एंटीजन सैंपल के लिए, सूटेबल फॉर डिटेक्टिंग ए स्पेसिफिक एंटीजन सैंपल, किसी स्पेसिफिक एंटीजन के सैंपल को जानने के लिए कि कौन सा एंटीजन है, इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट एलिसा क्या है, इनडायरेक्ट एलिसा में ये इसमें भी एंटीजन क्लोटेड प्लेट का ही हम यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम दो तरीके की एंटीबॉडी यूज़ करेंगे। प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे जो स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करेगा, फिर हम उसमें एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे। सबसे पहले प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे, फिर उसमें हम एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे जो प्राइमरी एंटीबॉडी से जाके अटैच करेगा, फिर डिटेक्शन करेंगे। और इसको हम एंटीबॉडी सैंपल में, एंटीबॉडी है यहाँ पे, हम एंटीजन डिटेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे सैंपल में एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एंटीजन कोटेड वेल है, उसमें हम एंटीबॉडी ऐड कर देंगे, अभी इसमें एंजाइम लिंक्ड नहीं है। सेकंड प्रोसेस में वॉश करेंगे, इसे यहाँ भी वॉश करेंगे। ये सारी चीज़ें आप छोटी छोटी आपको ध्यान रखनी है, ये सब ये थोड़ा सा आपको यहाँ पढ़ाने के लिए दिखाया जा रहा है। जब इसको आप करते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आता है। ऐड करेंगे एंजाइम को कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी, वो ऐड हो जाएगा, वॉश करेंगे, फिर सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक, होपफुली आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। थर्ड जो है उसको हम सैंडविच एलिसा कह रहे हैं। सैंडविच क्यों कह रहे हैं, अभी आपको समझ पाएगा आएगा। यहाँ पे भी दो एंटीबॉडी को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यूज टू एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू डिफरेंट एपिटोप्स टू द टारगेट एंटीजन, जो टारगेट एंटीजन है और एंटीजन में ही एपिटोप पाया जाता है, एपिटोप से ही जाके एंटीबॉडी बाइंड करता है। तो जो दो एंटीजन हो डिफरेंट डिफरेंट एपिटोप से जाके, मान लीजिए कोई यहाँ एपिटोप से जाके बाइंड करेगा, कोई यहाँ एपिटोप से बाइंड करेगा, द फर्स्ट कैप्चर एंटीबॉडी इज कोटेड ऑन द प्लेट एंड आफ्टर बाइंडिंग ऑफ द एंटीजन अ सेकंड डिटेक्शन एंटीबॉडी लिंक टू द एंजाइम इज एडेड। ठीक, इसको आप ऐसे समझिए। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, एंटीबॉडी कोटेड प्लेट ले रहे हैं, अभी तक हम एंटीजन कोटेड प्लेट ले रहे थे। केवल वर्ड्स को समझिएगा, अभी ऊपर के दो में हमने डायरेक्ट वाले में एंटीजन कोटेड लिया और इनडायरेक्ट वाले में भी एंटीजन कोटेड लिया। डायरेक्ट वाले में क्या था कि वहाँ पे हमने एंटीजन कोटेड तो लिया, लेकिन सिर्फ एक एंटीबॉडी एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी का यूज़ किया और सबस्ट्रेट यूज़ करके डिटेक्ट कर लिया। इनडायरेक्ट में भी हमने एंटीजन कोटेड का ही यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे हमने एक नॉर्मल एंटीबॉडी डाला, फिर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाला, फिर सबस्ट्रेट डाला और डिटेक्ट कर लिया। थर्ड में क्या है, जो प्लेट हम ले रहे हैं वो किससे कोटेड है, एंटीबॉडी से। अब हम उसमें एंटीजन ऐड कर रहे हैं, फिर हमने एंटीजन ऐड किया, फिर से धुला, फिर उसमें हम एंजाइम लिंक्ड एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज़ कर रहे हैं। प्राइमरी एंटीबॉडी, उससे अटैच एंटीजन, और ये रहा आपका सेकेंडरी एंटीबॉडी। और ये स्ट्रक्चर आपको सैंडविच की तरह नहीं लग रहा है, ये आपका फर्स्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड, ये आपका सेकेंड स्लाइस ऑफ ब्रेड। सैंडविच क्यों कहते हैं, सैंडविच मॉडल आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पढ़ा होगा, और इसमें आपका ये आ गया स्लाइस ऑफ टिक्की, स्लाइस ऑफ टोमेटो, स्लाइस ऑफ अब कह सकते हैं अनियन यानी कि प्याज, इन सब की स्लाइस आ गई और ये क्या हो गया, एक सैंडविच बन गया। इसी वजह से हम इसको सैंडविच मॉडल कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम सबसे पहले एंटीबॉडी प्लेट ले रहे हैं एंटीबॉडी कोटेड, वहाँ पे एंटीजन ऐड कर रहे हैं, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी लगा रहे हैं जो कि एंजाइम लिंक्ड है, और उसके बाद हम सबस्ट्रेट डाल के इसको डिटेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक, थर्ड आपको समझ में आ गया। फोर्थ क्या है, फोर्थ आपका है कॉम्पटिटिव एलिसा। कॉम्पटिटिव एलिसा क्या होता है, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स कॉम्पटिशन बिटवीन द सैंपल एंटीजन एंड नोन अमाउंट ऑफ लेवल एंटीजन फॉर बाइंडिंग टू ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी। यहाँ पे क्या करते हैं, कॉम्पटिशन होता है सैंपल ऑफ एंटीजन में, उसमें नोन अमाउंट ऑफ लेबल एंटीजन हम डालेंगे जो कि जाके कुछ लिमिटेड एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, तो कॉम्पटिशन चलेगा। चीज़ें कुछ ही हैं, और जैसे एक सीट है और उसके लिए अप्लाई 10 लोग कर रहे हैं, नौकरी तो एक ही को मिलेगी ना, तो इसी को तो आप कॉम्पटिशन कहते हैं। वही काम यहाँ पे एलिसा टेक्निक में हो रहा है।
इसका यूज़ हम क्या करते हैं, सॉरी थर्ड जो सैंडविच वाले का मॉडल है उसका यूज़ हम करते हैं डिटेक्टिंग एंड क्वांटिफाइंग एंटीजन विथ हाई स्पेसिफिसिटी। कोई हाईली स्पेसिफिक एंटीजन है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, बहुत सेंसिटिव है उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर हम आ जाते हैं एलिशा पे, तो एलिशा का मैंने कॉम्पिटिशन वाला एग्जाम्पल दिया। देन द मोर एंटीजन इन द सैम्पल द लेस लेबल एंटीजन विल बी बाइंड, जितना ज़्यादा एंटीजन होगा उतना ही लेस एंटीजन लेबल्ड बाइंड होगा, रिजल्टिंग इन लोअर सिग्नल का यूज़ करेगा। और इसको हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स का जो कि इजिली मोबालाइज नहीं, नॉट बी इजिली इमोबालाइज, जो अच्छे से इमोबाइल नहीं हो सकते हैं उनका यूज़ करते हैं। प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। हमने इंक्यूबेटेड एंटीबॉडी यानी कि गर्म एंटीबॉडी को इंक्यूबेट किया विथ एंटीजन के साथ टू बी मेजर्ड, उसको मेज़र करेंगे, ऐड करेंगे एंटीजन वाला प्लेट यहाँ पे लेंगे, एंटीबॉडी डालेंगे मिक्सचर, और फिर ये कोटेड वाला जो हमने लिया है इसको भी डालेंगे। ठीक, अब ऐड करेंगे हम एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी को, उससे जाके बाइंड करेगा सबस्ट्रेट को। अब यहाँ पे देखिए कई सारे हैं और सारे सबस्ट्रेट आके केवल एक से बाइंड हो रहा है, तो इस एक का स्पेसिफिकली हम पता लगा लेंगे, कंपटीशन कराएंगे हम, और जिससे जाके बाइंड होगा हमें पता चल जाएगा कि इसी का हमें यूज़ है। ठीक, होपफुली आपको पूरा एलिशा समझ में आ गया होता टेक्निक। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या ज़रूरत है इतना सारा प्रोसेस करने की, क्या ही हमको इससे फ़ायदा है? तो जहाँ पे भी इंसान को फ़ायदा नहीं रहेगा वो उस काम को करता ही नहीं है। और एलिशा से हमें क्या फ़ायदा है, आइए इसको जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इफ़ेक्टिव मेथड है, किसके डिटेक्शन के लिए, वायरल बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के लिए। कोई आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, वायरस रिलेटेड, कोई आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, या कोई आपको फंगस से रिलेटेड इन्फेक्शन हुआ, उसका पता हम इस टेक्निक से बहुत इफ़ेक्टिवली लगा सकते हैं। जो HIV की स्क्रीनिंग टेस्ट होती है वो भी एलिशा के थ्रू ही होती है। डिफरेंट एलिशा किट्स, टेस्ट किट्स अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करते हैं हम डेंगू फीवर का पता लगाने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB का पता लगाने के लिए, हेपेटाइटिस बी, इन सब का पता लगाने के लिए हम एलिशा, ये ESA नहीं ELISA रहेगा। ठीक, प्रेगनेंसी किट्स जो आपकी होती हैं वो इसी टेक्निक पे बेस्ड होती हैं। वो आप इसमें क्या करते हैं, प्रेगनेंसी किट्स कुछ इस तरीके की होती हैं, इसमें हम यूरिन जो होता है मदर का, जो प्रेगनेंट मदर होती है उनका यूरिन हम डालते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि जब जो मदर प्रेग्नेंट होती है उनकी यूरिन में कुछ, उनके प्रोटीन्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उस चेंजेस की वजह से आप देखते होंगे, आपने देखा होगा ऐड वगैरह में कि वो स्ट्रिप क्या हो जाती है, वो रेड दिखाई देने लगती है ड्यू टू चेंज इन प्रोटीन, इस तरीके से रेड स्ट्रिप दिखाई देती है जिससे लोग एक मोटे तौर पर आपको पता चल जाता है कि आप प्रेगनेंसी आपकी है या नहीं है। ठीक है, उसको डिटेक्ट करने के लिए इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ वेरियस प्रोटीन, कुछ प्रोटीन के बारे में हार्मोन और टॉक्सिन का पता लगाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ऑल्सो यूज इन डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड एलर्जेंस, आपको फूड एलर्जी होती है ना उसका भी पता, बहुत सारे लोगों को कई सारे फूड से एलर्जी होती है, फूड एलर्जेंस जो होते हैं कौन सा एलर्जन है उसका भी पता इसी टेक्निक से लगाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट एलिशा इज, दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज़ वेरी नेसेसरी और आपको ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस टेक्निक से बेस्ड है। और बार बार मैंने ऊपर आपको बताया था कि किस चीज़ का पता लगाने के लिए, किसी प्रोटीन का, किसी एंटीबॉडी का, किसी एंटीजन का पता लगाने के लिए हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो होपफुली ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।